जय माता दी, मेरे चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। प्रेगनेंसी के दौरान झाइयाँ हो गई हैं और वो ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। प्रेगनेंसी के दौरान ही काले घेरे हो गए हैं, यानी डार्क सर्कल हो गए हैं आँखों के आसपास, वो जा ही नहीं रहे हैं। देखिए, जिस समय लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है उस समय हमारे बॉडी के जो हार्मोन्स हैं बहुत तेज़ी से चेंज होते रहते हैं, और हार्मोन्स के चेंज होने से कई तरह की समस्याएं हो जाती हैं, जैसे कि झाई होना, डार्क सर्कल होना, या चेहरे में दाने निकल आना, या पूरी बॉडी में दाने निकल आना। कुछ कुछ लेडीज़ का तो पूरा शरीर एकदम सूज जाता है, यानी स्वेलिंग हो जाती है पूरे बॉडी में। तो ये सारी चीज़ें हार्मोन्स के चेंज होने से होता है, और बॉडी के अंदर किसी विटामिन या कैल्शियम या किसी भी चीज़ की कमी हो जाने के कारण होता है। तो कुल मिलाकर होता चाहे जैसे भी है, लेकिन फिर भी देखने में हमारा बॉडी, हमारा फेस ख़राब हो जाता है। और जो अगर उस समय तुरंत हमने ठीक ढंग से उपचार नहीं किया, यानी इनका उपचार अगर तुरंत ना किया जाए समय रहते, तो फिर ये इतने जिद्दी धब्बे हो जाते हैं, चाहे वो झाई के हों या डार्क सर्कल हों या दाने हों, इनके धब्बे जो हैं इतनी जिद्दी हो जाते हैं कि इनको निकाल पाना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? और कभी कभी क्या होता है, झाइयाँ भी नहीं हुई, डार्क सर्कल भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी के बाद में फेस की ग्लो एकदम गायब हो जाती है। कुछ लोगों को झाई नहीं होती, डार्क सर्कल नहीं होते हैं, लेकिन फेस की ग्लो एकदम गायब हो जाती है। तो उन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए यहाँ पर आपको मैं एक फेस पैक बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही नेचुरल है, पूरी तरीके से कुदरती है। इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी तरीके से आपको साइड इफ़ेक्ट दे या किसी तरीके से भी आपको नुकसान पहुँचाए। आपको क्या करना है, आपको लेने हैं गुलाब के 6-7 फूल। जी हाँ, जो हमारा देसी गुलाब होता है, गुलाबी रंग का या मैरून रंग का या जो लाल रंग का, यानी देसी गुलाब आप सब समझते हैं, जो उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, वो आपको 5 से 6 या 7 फूल, अगर ज़्यादा छोटे हैं तो 6 से 7 ले लीजिए, अगर बड़े बड़े फूल हैं तो आप 5 फूल ही ले लीजिए, पर्याप्त हैं। अब इन फूलों को, इनकी पंखुड़ी को आप तोड़ लीजिए, पानी में डाल दीजिए 2-3 मिनट के लिए, फिर अच्छी तरीके से हल्के हल्के हाथों से मल के इन्हें धो लीजिए। इस तरीके से 3-4 बार पानी से धो लीजिए, ताकि पेड़ पौधों पे जो धूल मिट्टी हो जाती है फूलों में वो एकदम निकल जाए। फिर इसको एक सूती कपड़े के ऊपर या टॉवल के ऊपर फैला दीजिए इन पत्तियों को, ताकि इनका जो पानी है वो निकल जाए। उसके बाद में इन पत्तियों को आपको मिक्सी जार में या सिलबट्टे के ऊपर पीस लेना है। ऐसा तो हालांकि इनको पीसने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको ज़्यादा सूखा या ड्राई लगता है, गाढ़ा लगता है, तो आप इसमें कच्चा दूध मिला सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि गुलाब तो ये खुद है, तो गुलाब जल का कोई तुकी नहीं, आप इसमें कच्चा दूध मिलाइएगा, लेकिन आधा आधा चम्मच करके ही डालिएगा, ताकि ये ज़्यादा पतला ना होने पाए। अब जब आप देखेंगे ये मिक्स होने लगा है, तो उस समय उसी कंडीशन में जब ये मिक्स होने लगा है, तो उसी मिक्सी में या सिलबट्टे पे जहाँ पर भी इसको आप पीस रहे हैं उसी के अंदर आप 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर डाल दीजिए। बहुत भर के नहीं डालना है, फ्लैट 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर उसके अंदर आप डाल दीजिए, फिर इसको एक बार फिर से पीस दीजिए, ताकि इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए कॉफ़ी पाउडर। अब आप इसको कांच या प्लास्टिक की कटोरी में निकाल लीजिए। स्टील की कटोरी में कभी कोई फेस पैक नहीं बनाना चाहिए। आप इसको कांच या प्लास्टिक की कटोरी में निकालने के बाद में अच्छी तरीके से आप मिक्स कीजिए। फिर इसी के अंदर आप 1/2 चम्मच बेसन मिक्स कर लीजिए। बेसन इसलिए, पहली बात तो बेसन से स्किन में चमक आती है, दूसरी चीज़ बेसन से बाइंडिंग बढ़िया हो जाती है, इसमें एक चिपकने का गुण आ जाएगा, बेसन आपकी स्किन में बहुत आसानी से चिपक जाता है। वैसे तो ये गुलाब है तो आप लगाएंगे, वनस्पति है, कुछ ही समय में वो झड़ जाएगा, लेकिन अगर आप इसके अंदर बेसन मिक्स कर देंगे तो पूरी तरीके से आपकी स्किन के अंदर ये चिपका रहेगा। बेसन मिक्स करने के बाद 5 मिनट इसको ढक कर रख दीजिए, ताकि ये फूल सके। उस 5 मिनट में अपने फेस को आप धो लीजिए, फेस और गर्दन को आप धो के साफ़ कर लीजिए, गीले कपड़े से पोंछ लीजिए या गीले स्पंज से पोंछ लीजिए। फिर इसको खोलिए, जो आपने मटेरियल ढक कर रखा बहुत अच्छी तरीके से इसको 1 से 2 मिनट फिर से फेंट लीजिए। फिर इसकी एक मोटी लेयर अपने चेहरे और गर्दन के ऊपर आप लगा दीजिए। देखिए, वैसे तो ये मतलब केवल झाई फेस पैक नहीं है, इससे अनेकों फ़ायदे होने हैं। इसकी झाइयाँ दूर होंगी, आपके जो फेस की ग्लो ख़त्म हो गई है वो वापस आएगी, फेस में जो डलनेस हो गई है वो ख़त्म होगी,
एक बेहतरीन सी ग्लो आएगी फेस के ऊपर, काले घेरे ख़त्म होंगे। तो आप इसकी एक मोटी लेयर अपने पूरे फेस और गर्दन पर लगाइए, आँखों के आसपास भी लगा दीजिए। पलकों को बचा के रखिएगा, क्योंकि पलकों में नहीं लगना चाहिए, नहीं तो पलक भी चिपकने लगेंगे, अजीब सा लगेगा आपको। लगाने के बाद आप आधा घंटे इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। आधा घंटे के बाद में आप पानी से स्किन को गीला कीजिए, हल्के हल्के हाथों से धीरे धीरे मसाज देते हुए इस लेप को आप उतार दीजिए। उतारने के बाद में उसी सादे पानी से आप चेहरे और गर्दन को धो लीजिए, या आप चाहें तो पहले गीले स्पंज से पोंछ सकते हैं, उसके बाद में धो लीजिए। फिर आपको अपनी स्किन को ऐसे ही सूखा नहीं छोड़ना। आप नारियल का तेल लीजिए। नारियल का तेल एक ऐसा बेहतरीन पोषण है आपकी स्किन के लिए कि कोई भी क्रीम इसकी टक्कर नहीं ले सकती। नारियल का या तो प्योर बादाम का, जो रोगन बादाम आता है, या बादाम रोगन जिसको आप बोलते हैं, वो अगर आपके पास है तो इनकी, इन दोनों में से, नारियल या बादाम रोगन में से आप कुछ भी ले सकते हैं। 4 से 5 बूंद तेल अपनी हथेली के ऊपर लीजिए, फिर इस तरीके से मलिए और मॉइस्चराइजर की तरह अपने चेहरे और गर्दन पर आप लगा दीजिए। फिर आपको कुछ नहीं लगाना। अगर आप नाइट में लगा रहे हैं, आपको कुछ नहीं लगाना, ना इसको धोने की ज़रूरत है, ऐसे ही आप सो सकते हैं। दिन में आप लगा रहे हैं तो इसके बाद में कोशिश कीजिए कोई मेकअप ना लगाइए। मेकअप वैसे भी कम से कम फेस के ऊपर आप करेंगे तो आपका फेस हमेशा ग्लो करता रहेगा, अगर अधिक मेकअप पोतेंगे तो स्किन हमेशा ख़राब होती है। तो इसको लगाने के बाद अगर ज़रूरी ना हो तो मेकअप मत लगाइए, कम से कम आधा घंटे तो मत ही लगाइए। अगर बहुत ज़रूरी हो तो कोई बहुत अच्छे ब्रांड का हल्का मेकअप लगाइए। तो अगर आपको वीडियो काम की लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सब लोगों को फ़ायदा मिले। और इसको आप लगा के देखिए, निश्चित आपको फ़ायदा होगा बहुत ही कम समय में। यानी आप जब इसको लगाएंगे 3-4 बार इसको लगाने के बाद आपको खुद असर दिखना शुरू हो जाएगा। 10 दिन के अंदर आपका फेस चमकना शुरू हो जाएगा, दाग धब्बे हल्के होने लगेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।